나를 빌리는 민아 맛있어 민아 민아 이거 하게 하자 आज बड़ी समस्या है भाई आज बड़ी समस्या है मैंने इतनी सारी शराब पी ली है मैं बता देता हूं भाई मुद्दा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा होना चाहिए भाई आज राज्य में या केंद्र में किसी की भी सरकार बनती है तो समाज शराबी भाइयों का भी समर्थन होना बहुत जरूरी है और शराबी भाइयों ने हमेशा आजादी से लेकर आज तक अपना समर्थन दिया भी है लेकिन शराबी भाइयों को बड़ा अपमानित तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है कहीं इज्जत वाली बात नहीं है ये शौक कभी नवाबों वाला होया करता है आज हमें कंगला कहा जाता है हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम पूरे देश में शराबी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और सारे पार्लियामेंट के सदस्यों से ये बात रखेंगे कि हमारे लिए भी एक कानून बनाया जाए और उसका अलग से बजट बनाया जाए कि जो शराबी भाई शराब पीने के कारण लीवर खराब हो जाता है और ना तरीके कितने इन्फेक्शन शरीर में फैल जाते जिसका वो उपचार नहीं करा पाता मेडिकल नहीं करा पाता उसके कारण उसकी मौत हो जाती है इसकी बात को लेके हम पूरे देश में घूमेंगे और शराबी सभी शराबी भाइयों को इकट्ठा करके इसकी मुहिम रणनीति बनाएंगे कोई बात नहीं है आजादी की लड़ाई है भाई हमारी और हम सरकार से ये बात रखेंगे शर्तें रखेंगे कि हमारा मॉडल अस्पतालों में इलाज होना चाहिए सर गंगाराम अपोलो और मैक्स और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज हो और जब तक हमारा मेडिकल उपचार चलता हो सरकार हमें पेंसिल बांधे हम सभी शराबी भाइयों को पूरे देश में इकट्ठा करके एक बड़ी रणनीति बनाएंगे जिसमें एक पार्टी होगी शराबी सदस्य होगा और शराबी ही अध्यक्ष होगा पार्टी का और हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार जब अपने चुनाव प्रचार में उतरती है तो शराबी भाइयों को अपने नुमाइंदों से करोड़ों की शराब पिलाई जाती है और जब सरकार बन जाती है तो हमारे बारे में नहीं सोचा जाता और पूरे देश के बारे में सोचा जाता है लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं आज हम आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीम सिंह बस्ती जी को कि उनके दिल्ली पुलिस के जवान हमारे शराबी भाइयों के साथ बदसलूकी और मारपीट करते हैं जगह जगह पे